अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल इकरा ब्लॉग में। तो आज फिर हाजिर हैं आपके सामने। तो अभी किचन में नाश्ता बन रहा है, तो जाके देखते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। क्या बना रही? नाश्ता बना तो यहाँ पे देसी घी के रोगी, देसी घी की रोगी रोटियाँ बन रही है। खुशबू अच्छी आ रही है। चाय बन चुकी है, चाय पहले ही बन चुकी है। चाय तो बनी हुई है, अच्छी। गरम करना होगा। हाँ बस गरम करना होगा, बना दी थी मैंने। बस एक रह गई है, हो जाए तो फिर ज़्यादा नहीं नहीं वो लगेगी भी, तुम कहोगी नहीं। नहीं नहीं लगी नहीं, लगेगी इतनी जल्दी क्यों लगेगी। ये अच्छा होता है इनका ना आइटम वाला, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। चम्मच दो, खैर लगता है कि ना देसी घी है। अब इसको सेकने के बाद मैं इसको टेम्परेचर पे प्रेस करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से सीख जाएगा। पराठे की नस्बत ना ये ज़्यादा थोड़ी हल्की होती है, थोड़ा पराठा थोड़ा ना हैवी हो जाता है। ऐसा नहीं नाश्ता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खा के भारी भारी लगने लगे। ऐसा नाश्ता होना चाहिए कि जो खाएगी और हेल्दी भी हो। तो यहाँ मेरे पास रखा हुआ है बहुत सारा मेकअप, जिसमें मेरे पास ये फर्स्ट पे है लैशेस जो कि अभी तक मैंने नहीं लगाई, और इसके अलावा ये फेस पाउडर है मेरे पास, एक बी क्यूट वालों का है और एक ग्लैमरस फेस वालों का है। इसके अलावा नेल पॉलिशेस हैं, जिसमें से मेरे ये दो फेवरेट कलर हैं, एक ब्लैक और एक सिल्वर, और यहाँ पे रेड भी है, ये भी मेरा फेवरेट है। इसके अलावा यहाँ पे ये आईब्रो पेंसिल है, कंसीलर है, एक बड़ा ब्रश है, और बीबी क्रीम है, क्रिस्टियन की एक और पेंसिल है, ये जो है फाउंडेशन है। इसके अलावा ये सारे ब्रशेस हैं मैक वालों के, इसमें कुछ पेंसिलें भी हैं। ये मिस रोज़ का कंसीलर है, ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, और ये एक छोटी सी मेरे पास एक आई शेडो पैलेट है, और ये लिप ग्लॉस है और मस्कारा, ये मस्कारा है, और ये सारे ब्रशेस हैं मैक के ब्रशेस हैं। तो बस ये मेरा जो है मेकअप का सामान है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो अभी मैं जो ना बना रही हूँ सेब और आड़ू का मिल्क शेक, इसलिए सेब वैसे इतना खाया नहीं जाता ना, तो ये होता है कि इस तरह बनाओ तो ये आसानी से सेब जो जिसम में चला जाता है। और ये आड़ू भी था मेरे पास, ये भी इसको ऐड कर लिया। वैसे तो खाली सिर्फ सेब का बना रही थी, लेकिन मैंने चलो आड़ू से टेस्ट अच्छा हो जाएगा। सेब मैंने पीसेस कर लिए सारे, बहुत आसान है। इसमें इसमें आप और भी एक फल डाल सकते हैं, आपको जैसे केला आपके पास हो वो डाल दें। बीज इसके मैंने हटा दिए, आज तक सेब काफी आए हैं, मुझसे वैसे सेब नहीं खाया जाता, मैं जो उस तरीके से ना अच्छा लगता है मुझे उसको, उसका शेक है वो बना। इसमें है ना थोड़ा, मैं इसमें पहले जो अपने तरह बना दूँ वैसा बना रही हूँ, थोड़ा इसमें पानी डालूंगी और ये इसमें मिल्क डाल दूंगी। ये मैंने लो फैट मिल्क लिया है, जिसको जो पसंद हो बना ले अपने हिसाब से। क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा है ना, तो इस वजह से मैं कुछ इसमें बर्फ़ वर्फ डाल दूँ, इसलिए वरना बर्फ़ से जो है ना ठंडा गला वाला ख़राब हो सकता है। तो अच्छा मैं इसके अंदर जो है ना ये ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा मीठा करने के लिए उसको। और जिसका जो मर्ज़ी हो डाले इसमें,
शक्कर डालना चाहे शक्कर डालना। मिल्क शेक रेडी है।